नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वेटनोवेट सी क्रीम के बारे में। काफ़ी लोग इसको जो है गोरा होने के लिए यूज़ करते हैं तो उनका जो फेस एक हाफ सा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन भी आपको बताऊंगा और क्या आपको ये फेस पर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो सब कुछ वेटनोवेट सी क्रीम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसका रिव्यू मैंने पहले ही कर दिया था तो इस वीडियो में मैं इसका रिव्यू नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोगों के जो है कमेंट आते हैं कि इससे उनको कुछ प्रॉब्लम होती है और वेटनोवेट सी क्रीम के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, कुछ ये बताऊंगा, रिव्यू नहीं करूंगा। रिव्यू की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद, वो देख लेना क्योंकि वो भी आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या वेटनोवेट क्रीम जो हवा चल रही है इसलिए बाल इधर उधर जा रहा है, तो ये एडजस्ट करो, और सर्दी भी हो रही है तो थोड़ी सी आवाज भी एडजस्ट कर लेना। अब बात करते हैं वेटनोवेट सी क्रीम के फायदे की, ठीक है। यह वीडियो ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बैकग्राउंड साउंड क्वालिटी ये मत देखो, जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वेटनोवेट सी क्रीम के फायदे देखो, ये एक्जिमा और फंगस को ठीक करने के लिए यूज होती है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसी काम के लिए है। मैंने अच्छे से सब कुछ सर्च करा है, इनके बारे में इंटरनेट से जानकारी ली है कि ये इंग्रेडिएंट्स किस काम में आते हैं। अब हम कोई क्रीम लेते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हैं, इंग्रेडिएंट्स जो भी है, मतलब थोड़ी इंग्लिश मेरी कमजोर है तो थोड़ा बट मैं इधर उधर बोल देता हूँ, हालांकि पढ़ना वढ़ना आ जाती, काम चल जाता है, लेकिन थोड़ी सी कमजोर है वो भी ठीक कर लेंगे समय के साथ। तो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, मतलब जो उसमें चीज़ें मिलाई जाती हैं वो जो होती है ना, वो हमें तो पता नहीं कि ये किस काम आती है, इसलिए मैंने उनको सर्च करके अच्छे से आपके लिए एक वीडियो बनाई है, उसका रिव्यू डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, वो रिव्यू देख लेना, वहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि गोरा होने के लिए इसको यूज़ मत करना, इससे जो है फेस ख़राब हो जाता है, ठीक है। फेस क्यों ख़राब हो जाता है, क्योंकि इस क्रीम में जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड मिले होते हैं और ये स्टेरॉइड को आपके फेस को जो स्टेरॉइड की आदत पड़ जाती है, जब इनकी आदत पड़ जाती है तब आप उस क्रीम को नहीं लगाते हो तो आपको खतरनाक साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। चेहरा जो है दाने निकल सकते हैं, रेड हो सकता है, और भी काफ़ी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस क्रीम को फेस पर यूज़ मत करो। एक्जिमा और फंगस अगर आपको कहीं फेस के अलावा कहीं है तो वहाँ यूज़ कर लो, वो ठीक हो जाएगा समय से, ठीक है। बस यू ख़त्म, मतलब यूज़ किया वो ठीक हो गया, प्रॉब्लम बंद कर दो क्रीम को। अब आप 35 रुपये की क्रीम, ये इस क्रीम का प्राइस तो 48 ऐसे ही कुछ था, अब आप 40-45 जो भी, मतलब 50 रुपये की मान लो क्रीम, अब आप गोरे होने के लिए यूज़ कर रहे हो और गोरे भी हो गए, ऐसी बात नहीं है, लेयर हटा देती है स्किन से, तो काफ़ी लोगों को लगता है कि भैया 50 रुपये क्रीम है, हम इससे गोरे हो गए। लगाते जाते किसी कारण से वो फिर इसको छोड़ देते तो उनकी पेट बन जाती है, तो आप लाइफ टाइम तो इस क्रीम को लगा नहीं सकते। तो इसलिए गोरे होने के लिए कभी भी क्रीम का यूज़ मत करा करो, क्योंकि इससे आपके फेस को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। पिंपल, हेयर फॉल, सब पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हमने बना रखी है, सब अच्छी बना रखी है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बना रखी है। हेयर फॉल मुझे बहुत होता था, अब नहीं होता है, इस पर भी वीडियो बना रखी है, आप जो है जाकर देख लेना, चैनल पर एक बार विजिट करो, बहुत काम की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं अब जिन लोगों का इस क्रीम से फेस ख़राब हो गया है वो कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो, इस क्रीम को जब आपने यूज़ कर लिया फिर छोड़ दिया तो आपका फेस बेकार हो गया, ठीक है। तो जैसे ही उसको मतलब छोड़ दिया आपने तो कुछ दिन में वो फेस जो है धीरे धीरे रिकवर होने लगता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो है आप दो काम कर सकते हो। पहला, रात को सोते समय जो है गुलाब जल लगा लो, गुलाब जल से जो है फेस एकदम ठंडा सा होता है और अच्छा रहता है, अच्छा मॉइस्चराइजर है गुलाब जल, ठीक है, नेचुरल। और दूसरा, ये जो केमिकल है इस क्रीम की, ये जो आपकी स्किन में जम से गए हैं, मतलब इसकी आदत पड़ गई है, तो इसकी आदत को छुड़ाने के लिए जो है आप डेली स्टीम ले सकते हो या फिर एक दिन छोड़कर स्टीम ले सकते हो। बता रहा हूँ कि स्टीम से क्या फ़ायदे आपको होते हैं, और स्टीम क्या है, सिंपल सा हिंदी में बोलते हैं भाप लेना, ठीक है। एक बर्तन को गैस पर रखो और टॉवल वगैरह आपने ऊपर लगाओ, नीचे जो है बर्तन में जिसमें पानी उबाला उसको नीचे रखो और बस भाप ले लो, सिंपल सा फंडा यार आपको आता ही होगा। तो अब बात करते हैं कि भाप लेने से होगा क्या। देखो, भाप जब हम लेते हैं तो हमारे स्किन से जो है स्वेट सा निकलता है कुछ, मतलब स्किन से स्वेट से गंदगी जो है पूरी बाहर आ जाती है और फेस एकदम सॉफ्ट हो जाता है, और जो नाक पर ब्लैकहेड्स होते हैं ना वो तक निकल जाते हैं अगर उसके बाद स्क्रब कर लो तो। अगर आपका फेस वेटनोवेट सी क्रीम से ख़राब हो चुका है तो आप स्क्रब मत करना, बस आप उससे वॉश करना और उसको अच्छे साफ, फिर एक बार साफ पानी से धो लेना और सिंपल सा गुलाब जल लगा लो। ये दो काम करो, इससे आपका जो है धीरे धीरे समय लगेगा यार, देखो समय तो लगेगा ही कि ठीक होने में फेस को, पर ये दो काम करोगे तो इससे स्किन क्वालिटी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और जो साइड इफेक्ट वेटनोवेट सी क्रीम के हो गए हैं उससे भी मतलब वो भी थोड़े ठीक होंगे, ठीक है। तो ये दो काम तो आप कर ही देखो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया सब्सक्राइब तो जरूरी कर देना, और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर देना, और उसको ऑल पर सिलेक्ट करना। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो एक बार चेक कर लेना कि ऑल पर सिलेक्ट है या नहीं है, क्योंकि इससे आपके हमारी जो वीडियो होते हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाते हैं। और एक और बात, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स तो जिंदाबाद है भैया, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।